डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं विद कैलकुलेटर। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको ये एक चीज़ समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5, 3, 2 एंड 4। तो अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट लें, ठीक है, विद कैलकुलेटर, तो चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। ये बहुत ही सिंपल है। सो पहले हम चेक कर इसको फाइंड करते हैं इसका डिटरमिनेंट, और फिर हम उसी को सॉल्व करेंगे विद कैलकुलेटर। सो अब सॉल्व कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए करते हम क्या हैं कि हम इन दो नंबर्स को जिनको हम कहते हैं प्राइम ट्रायंगल्स पे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5, 4 और 20, ठीक है, साइन माइनस का आता है यहाँ पे, और फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, एंड 3 2s are 6, सो 20 माइनस 6 इज़ 14। सो अब ये तो बहुत सिंपल सा था, एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 2x2 था। अब इसी तरह किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 हो जाए या 4x5, जो भी आप मैट्रिक्स लेंगे, तो उनका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैलकुलेटर पे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन करने के बाद अब मैं जाऊंगा मॉड पे, ठीक है। मॉड पे करने के बाद अब मैंने जाना है मैट्रिक्स पे। सो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा 6 का बटन, ठीक है, और फिर मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैट्रिक्स 1, और अब मेरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। सो वो है 5 पे, तो मैंने प्रेस किया 5, ठीक है। और अब मैं अपने मैट्रिक्स की एंट्री सपोर्ट कर रहा हूँ, पहली एंट्री 5, दूसरी एंट्री 3, देन 2 एंड देन 4। अब यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने शिफ्ट और 4 प्रेस करना है, देन आपने प्रेस करना है 2 डेटा, और फिर आपने अपना मैट्रिक्स कौन सा था, ए 1, और फिर आपने प्रेस करना है इजी का बटन। सो इस इंफॉर्मेशन आपकी ए में सेव हो गई है। सो फिर आपने अगेन शिफ्ट एंड 4, एंड देन आपने प्रेस करना है, हम फाइंड करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट, तो उसके लिए आपने प्रेस करना है 7, एंड अगेन शिफ्ट 4, देन 3, एंड देन ब्रैंसेस एंड इक्वल टू। सो यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या आ गया, 14। सो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे उसका ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो, या हायर ऑर्डर हो, तो उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।